हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं पेडागोजी पर प्रैक्टिस सेट। तो तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी भी इसे ऐप एमपी परीक्षा सफलता की आपको डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले से एमपी परीक्षा प्रिपेयर फॉर व्यापम एमपीपीवी एग्जाम 2018 इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर 50,000 से अधिक निःशुल्क प्रैक्टिस प्रश्न है, उसका भी आप निःशुल्क में लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा के डेली डोज से आप वर्ग 2 की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इसकी खरीद सकते हैं। और अगर आप हमारे स्कोड VIJLABH50 को लगाएंगे तो आपको 230 रुपये की टेस्ट सीरीज 50% ऑफ में 115 रुपये में मिल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। साथ ही साथ ये हिंदी के टेस्ट हैं, देखिए ये 25 रुपये मूल्य के केवल हम आपसे हमारी कॉस्ट ले रहे हैं, 250 रुपये ये मूल्य है इसका। और इसके अंदर केवल आपको हम पूरा के पूरा जो आपका वर्ग एक हिंदी है वो पूरा कंप्लीट करा देंगे। इसमें हम आपको 50 से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ 10 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी हिंदी पर लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि अच्छी अच्छे से तैयारी हो जाए। और अगर आप इन हमारे वीडियोस को बाय करना चाहते हैं तो आप हमें यस हिंदी लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर 8962429653 भेज दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे एक प्रैक्टिस सेट पर। इसके बाद में एक डिटेल, अब देखिए अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय हैं, ऑप्शन है आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, ये सभी अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय। तो आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है ये सभी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अभिप्रेरणा के दो प्रकार है, देखिए ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको ये याद रखना, अभिप्रेरणा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था कि अभिप्रेरणा के दो प्रकार है, तो फिर आप इसमें केवल एक तो टिक नहीं कर सकते। प्राथमिक अभिप्रेरक और द्वितीय अभिप्रेरक दोनों ही इसके ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है सी, ए और बी दोनों। तो अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर, नोट कर लिया होगा आपने। टॉमसन ने अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक, कृत्रिम, उपयुक्त, दोनों ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए टॉमसन ने अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा है, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों, प्राथमिक और कृत्रिम दोनों में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपके कितने मार्क्स आते हैं, कमेंट करके भी हर क्वेश्चन का आंसर देते जाइए, और साथ ही साथ लास्ट में जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स हैं। अभी मतलब जो प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन है, मोस्ट टाइम भी लगा लीजिए, कहीं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो इसे आई एम पी आप लगा लीजिए कि प्रेरणा का प्रश्न जो है वो क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसका है, गुट का, क्रेज एवं कैचफील्ड का, ब्लेयर का, जोन्स का। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन है क्रेज एवं कैचफील्ड का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। हम करके सीखते हैं किसने कहा था, मेस ने, सोकम ने, सिंपसन ने, कार्लसनिक ने। हम करके सीखते हैं या किसने कहा है, मोस्ट टाइम पे इसे भी लगा लीजिए आप, लगा इसे, ये कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है मेस ने, मेस ने कहा था कि हम जो भी मतलब करके सीखते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है होता है स्थानांतरण, प्रत्यय, अनुकरण, ज्ञान। प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध है जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है वह होता है। तो इसका आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है अनुकरण। देखिए प्रैक्टिस सेट हम इसलिए ही लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो आप सबके आंसर देते जाइए कमेंट करके भी, और साथ ही साथ लास्ट में फाइनल में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स हैं। अगर किसी के कम मार्क्स आए तो मैं उसे कुछ हेल्प करूंगा ताकि उसके मार्क्स बढ़ जाएं। निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत है, आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन, ये सभी। निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं, तो चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं आंसर बता देता हूँ, उसका सही उत्तर है ये सभी, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, ये सभी प्रेरणा के सोर्स हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है या कथन है, आईएमपी क्वेश्चन है, लगा लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे, थॉमसन का है, यंग का है, लावेल का है, एंडरसन का है।
प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, कथन है, तो इसका मैं उत्तर बता देता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसका उत्तर है थॉमसन का। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपको जो भी नोट करना है आप वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। अब आपकी एग्ज़ाम को काफ़ी कम टाइम बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको यही चाहते हैं कि तैयारी ये कराएं, और साथ ही साथ अब इसके बाद में फिर वो जो आपके दृश्य और सामग्री के थोड़ा डिटेल में, तो वो भी मैं वीडियो इसके बाद लेकर आऊँगा। निम्नलिखित में से सामाजिक, आज ही वो वीडियो भी आ जाएगा आपका। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रेरक हैं भूख, प्यास, प्रेम, आत्मगौरव। देखिए प्रश्न सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रेरक है, तो आपने ऑप्शन सुन लिया होगा। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है, आपने भी सॉल्व कर लिया होगा, आत्मगौरव, मतलब जो आपको समाज से प्रेरणा प्रेरक बने वो, तो इसका सही उत्तर हो जाता है आत्मगौरव। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में जैविक प्रेरक है नींद, सृजनात्मक, मग व्यसन, आत्म प्रसन्नता। जैविक प्रेरक है, निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रेरक है, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है, ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप जरूर इस टॉपिक को एक बार जरूर थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ लें, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ताकि एक आदमी भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है जैसे अभी पढ़ना से, तो ये आपको जरूर हेल्प कर देगा। तो एक बार जरूर आप इसे रीड कर लीजिए और इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं इसे होमवर्क में देना चाहूँगा। देखिए जब भी कोई प्रश्न होमवर्क में दिया जाता है तो आप कहीं ना कहीं आपको प्रश्न नहीं आता तो जरूर पढ़ के दें आंसर, लेकिन आंसर यही कोशिश करें कि सही दें। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। किस देश में किशोरावस्था की आयु पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा एक वर्ष पूर्व शुरू हो जाती है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, रूस। किस देश में किशोरावस्था की आयु पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा एक वर्ष पूर्व शुरू हो जाती है? तो आपको आप प्रश्न समझ में आ गया होगा, ऑप्शन है अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, रूस। आपने आंसर दे दिया होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कमेंट भी कर दिया होगा आपने आंसर, इसका सही उत्तर है भारत। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अभिप्रेरणा मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो देखिए आप यहाँ पे दो प्रश्न आपसे बनते हैं कि अभिप्रेरणा किस टाइप का शब्द है, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, और ये किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। तो किस शब्द से उत्पन्न हुई है, तो देखिए मोटो से, मेटो से, मेटम से, मोटम से, ये सभी से, तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मोटम से, मेटो, माटम, मोटम, ये सभी, तो मोटम इसका सही उत्तर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। आईएमपी क्वेश्चन है, जरूर आप इसे ध्यान में रखिएगा, मोस्ट टाइम भी लगा लीजिए और नोट जरूर करते चलिए। मैं अब आपको बार बार नोट करने का नहीं कहता हूँ क्योंकि अब हमारी एग्जाम बहुत नियर है, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे नोट करते आइए वीडियो को रोक रोक कर। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेरणा की प्रतिक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती है? बोल रहे कि जो प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती है? ऑप्शन है आवश्यकता, दंड, प्रोत्साहन, प्रणोदय, प्रणोदन। तो देखिए इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। वृत्तियों को अभिप्रेरणा के स्वरूप में माना है, स्किनर ने, मैकडूगल ने, मेस्लो ने, एटकिंसन ने। वृत्तियों को अभिप्रेरणा के स्वरूप में माना है, वृत्तियों को अभिप्रेरणा के स्वरूप में माना है, तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आपने भी सॉल्व कर लिया होगा, मैकडूगल ने, कि जो वृत्तियाँ उसको अभिप्रेरणा के स्वरूप में माना है मैकडूगल ने। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अभिप्रेरणा की प्रविधियाँ हैं सीखने की इच्छा, परिपक्वता, शिक्षण विधियाँ, प्रसन्नता तथा निंदा, प्रगति का ज्ञान, आकांक्षा स्तर, सफलता एवं असफलता, प्रभाव का नियम, पुरस्कार और दंड, ये सभी। एक बार फिर आपको मैं प्रश्न बता देता हूँ, जो अभिप्रेरणा है उसकी क्या प्रविधियाँ हैं? तो ये आपको चारों दो ऑप्शन अभी दिख रहे होंगे, अब ये भी आपको दिख रहे होंगे। ये भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो अब आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन को चाह रहा हूँ कि आप क्यों ना होमवर्क में ले, और जरूर देखिए आप कमेंट करके बताइए, काफ़ी सारे स्टूडेंट बताते हैं मुझे कमेंट करके, तो मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और होमवर्क देने का सिर्फ एक ही पर्पस है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, और आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जैसे मेरे पास समावेशी शिक्षा पढ़ने का और मूल्यांकन टॉपिक, तो बहुत जल्दी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आ जाऊँगा उस पर।
प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने वाला अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है, यह मत है गिलफोर्ड का, मैकडूगल का, मेस्लो का, स्किनर का। प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने वाला अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है, मत किसका है? तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, इसका सही उत्तर है गिलफोर्ड का। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जॉन पी डेस्को ने अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारक बताए हैं जागरूकता, आशा, प्रोत्साहन, अनुशासनात्मक क्रियाएं, उपयुक्त सभी। जॉन पी डेस्को ने अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारक बताए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है उपयुक्त सभी। आपने भी सॉल्व कर लिया होगा, मैं आपको लग रहा होगा कि काफ़ी जल्दी आंसर बता दे रहा हूँ, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा होगा। तो देखिए, मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है कि अब आपकी स्पीड को भी फास्ट करवाया जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बात करते हैं अगले प्रश्न, मैं नोट कर लीजिए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको कि आप वीडियो को रोक लें और नोट कर लें। किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। विचार किसका है? किसी कार्य को मतलब आप प्रारंभ कर दें, उसको फिर कंटिन्यू रखें और उसको नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। विचार किसका है? फेंडरसन का, जॉनसन का, गुड का, सेफर का। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा। किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं, यह विचार है। इसका सही उत्तर है गुड का। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। गेट्स ने अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरकों के कितने कार्य बताए हैं? 3, 4, 5, 6। गेट्स ने अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरकों के कितने कार्य बताए हैं? तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं आंसर बता देता हूं आपको, सही उत्तर है 3। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है, यह कथन है थार्नडाइक का, गिलफोर्ड का, कोटिल्ली का, नॉर्मन का। प्रश्न एक बार फिर बता देता हूँ। प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है, कथन है। ऑप्शन बी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं आंसर बता देता हूँ आपको, गिलफोर्ड का। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियोस हम डालें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आपको कहीं कुछ डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 8962429653। और देखिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, देखिए ये हम आपके लिए वीडियो को शेयर करना है और इसका स्क्रीनशॉट हमें भेज देना, एक व्यक्ति या बुक विनर बन सकता है। ये हिंदी भाषा की अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, ये आपको घर पे बाय पोस्ट भेज दी जाएगी, और आप हमारे हिंदी के ये वीडियोस भी बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको 50 से ज़्यादा क्लासेस पढ़ाएंगे। और ये वर्ग एक के लिए हिंदी की क्लास होगी, और जिसका देखिए जो 2500 रुपये के मूल्य, केवल हम आपसे 250 रुपये जो कॉस्ट है वह ले रहे हैं। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हमें यस लिख कर भेज दीजिए, यस फॉर हिंदी ऐसा लिख के भेज दीजिए, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8962429353। तो चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर, और आप वो बुक विनर बन सकते हैं, दो लोग बन चुके हैं, जो सेकंड विनर बने हैं सामाजिक विज्ञान बुक के बने हैं, उन्होंने अभी तक मुझे एड्रेस नहीं भेजा है, तो मैंने अभी बुक डिस्पैच नहीं कराई, तो जल्दी से भेज दीजिए। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं शुरुआत होती है जन्म से पूर्व, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद। बालक, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ के चलिए, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं शुरुआत होती है, मतलब जो बालक का विकास की प्रक्रिया एवं उसकी शुरुआत होती है, तो इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं आंसर बता देता हूँ, जन्म से पूर्व। जो बालक का विकास, उसकी जो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है कब से? जन्म के पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, आप सभी को पता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन है हरलॉक का, थार्नडाइक का, नन का, गेरिट का। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन है। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसका सही उत्तर है हरलॉक का। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, जब मैं ये वीडियो को कुछ समय रोकता हूं तो आपको अगर नोट करना है तो जरूर आप
रोक लिया करें वीडियो को। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट नोट्स बना दें मुझे हर रोज़, बच्चे व्हाट्सएप पे उनके फ़ोटो भेजते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, ये तीनों। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं आंसर बता देता हूँ ये तीनों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। नोट्स जरूर बनाइए, लास्ट समय बहुत बेनिफिट देंगे आपको ये। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जो मानव का विकास होता है और जो उसकी वृद्धि होती है, ये जो प्रक्रिया है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो आपने सॉल्व कर लिया होगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। आप जरूर कमेंट करके भी आंसर बताएं और साथ ही साथ लास्ट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह कथन है क्रो व क्रो का, पेस्टालॉजी का, अरस्तु का, गांधी का। वापस एक बार प्रश्न पढ़ रहा हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है, कथन है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सॉल्व कर लिया होगा आपने, मैं आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है क्रो एवं क्रो का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की गतिशीलता, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की जो वृद्धि और विकास उसको प्रभावित करता है? तो अब आपने सॉल्व कर लिया होगा, भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, लगा लीजिए इसे। एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, एज ऑफ पुबर्टी कहते हैं पूर्ण किशोर अवस्था को, किशोर अवस्था को, बाल अवस्था को, उपयुक्त सभी को। तो मैं मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। देखिए अभी भी जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना है, नंबर है 8962429653, ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिए। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यस हिंदी लिख कर भेज दीजिए और आप ये बुक विनर बन सकते हैं। केवल वीडियो को शेयर करके उसका स्क्रीन शॉट है जो इस नंबर पर भेजना है। तो ये हमारी तीसरी बुक लेकर हम आपके लिए आए हैं, हिंदी की बुक है। तो आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। पूर्ण किशोर अवस्था, एज ऑफ पुबर्टी इसे कहते हैं, पूर्ण किशोर अवस्था को। रट लीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? 12 से 14 वर्ष की, 13 से 15 वर्ष की, 10 से 12 वर्ष की, 11 से 12 वर्ष की। किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? तो इसका सही उत्तर है, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसको बता देता हूँ, 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। किशोर अवस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं? वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति लगाव, कल्पना की प्रधानता, उपयुक्त सभी। किशोर अवस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं? तो इसका आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, मैं आंसर बता देता हूं आपको, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। किस अवस्था को यौवन एवं बाल अवस्था के मध्य पड़ने वाला संधि काल कहा जाता है? बाल अवस्था, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, पूर्ण अवस्था। किस अवस्था को यौवन एवं बाल अवस्था के मध्य पड़ने वाला संधि काल कहा जाता है? आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है किशोर अवस्था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आप ये बुक विनर बन सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें, और अगर कोई भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर बता दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।